संयुक्त मोर्चा के द्वारा सुभाष स्टेडियम में हजारों लोग इकट्ठा हुए और वहां से शहर भर में मशाल जुलूस निकाल कर NRC कैद का विरोध जताया और इनको वापस लेने की मांग की। जुलूस में शामिल हुए प्रदर्शनकारी का कहना था कि सरकार देश की गरीबी, बेकारी, अशिक्षा, गिरती अर्थव्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी नाकामी ढकने के लिए NRC और कैद के माध्यम से लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रही है। दरअसल NRC में वही लोग छूटेंगे जो गरीब हैं और जिनके पास कागजात नहीं है, इसलिए यह कार्यक्रम सबसे ज्यादा गरीबों के खिलाफ होने जा रहा है। संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संविधान में हर व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म या नस्ल का हो समान हक रखता है, पर कैद के अनुसार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, जैन, पारसी, सिख, बौद्ध लोग की नागरिकता की पात्रता रखेंगे, मुस्लिम नहीं। लोगों ने कहा कि असम सहित पूरा उत्तर पूर्व जल रहा है, कोई भी NRC से खुश नहीं है। ऐसे में कैब लाकर सरकार ने आग में घी डालने का काम किया है। NRC कैब विरोधी संयुक्त मोर्चा की समन्वयक कामायनी स्वामी और जाहिद अनवर ने कहा कि आज जो लोग जुलूस में शामिल हैं, वह 16 दिसंबर को पूर्णिया के रेनू उद्यान में एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं, जिसमें कन्हैया कुमार शामिल होंगे। इस सभा में कोसी और सीमांचल के 7 जिलों से लोग जुटेंगे और NRC कैब को वापस लेने की मांग रखेंगे। जुलूस का नेतृत्व डॉक्टर इस आर झा, हैदर यासीन, अफान कामिल, सतेंद्र शरण, मुजम्मिल, तौसीफ अनवर, कामरान आसिफ, रंजन रागिब, लड्डू तमन्मय, अभिमन्यु अनिसुर रहमान, लवली नवाब, महेश कुमार, तारिक अनवर, सरफराज आलम एवं हजारों लोग शामिल हुए। मुसलमान छोड़ा, जो ईमान वाले हैं वो छूट, जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो उनको छोड़ दिया गया। हमारे आईन का सबसे बेहतरीन पिलर जो है, सबसे बेहतरीन खंबा जो है, जिस जो हमारे आईन को, जो हमारे हिंदुस्तान को खड़ा रखता है, उसका नाम है सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्षता, जिसका मतलब है कि भारत, हमारा देश हिंदुस्तान, किसी धर्म, किसी जाति, किसी समाज में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखता। तो ये जो CAB है, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, ये जो कैब है, ये उसी खंभे पर एक बड़ी चोट है। संविधान को, हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के खूबसूरती को तोड़ने की एक पहल है। इसीलिए हम यहां खड़े हुए। अब
बात करते हैं दोबारा से एनआरसी की, हिंदुस्तान में के मुसलमानों का जो हाल था आज उससे बदतर हालत है। अन्य समाज जो पिछड़े थे, दलित वंचित जो पिछड़े थे, उनमें इजाफा हुआ है, उनमें बेहतरी आई है, वो अब बेहतर हालत में है माशाल्लाह। हम सब एक नारा है, उसमें आप थोड़ा सा हम लोग अपनी टीम से लेते हैं। चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। ये रात काली पूछती है क्यों ये काली है, ये रात काली पूछती है क्यों ये काली है, जिसने हमारी चांदनी हमसे चुरा ली है। सोच भी नहीं थे उससे ज्यादा भीड़, आपने लोगों के अंदर में जोश देखा होगा, गुस्सा देखा होगा, हम लोग को बहुत संभालना पड़ा पब्लिक को, आपने गुस्सा को रोकिए, हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि ये जो कानून बनाया गया है बनाया है इनसे सारे लोगों के अंदर में दुख है, न कि मुसलमान हिंदू मुस्लिम सब सब पे गुस्सा है कि ये गलत ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके जो हम लोग है हमेशा जब तक इस बिल को वापस नहीं लेंगे हम लोग आंदोलन करते रहेंगे इस पर। और सबसे बेसिक बात हम कर रहे हैं कि जो लोग कानून बनाए हैं जो बात किए हैं जिस तरह एक एक तरह से हमको लगता है कि एक बेमानी है, मतलब एक सिर्फ है लोगों को धोखा में दिग्भ्रमित करके रख है, वो अपने आप को अपनी जितनी कमियां हैं उसको छिपाना चाहती है। लेकिन हम लोग इसको इस बार युवा पीढ़ी को आप युवा को यूथ और गाँव किसान गरीब के लोग आज देखे होंगे आप कितने जज्बात में थे, अगर हम लोग इसको रोकते नहीं तो ये बड़ा जुलूस निकलता है, बहुत बड़ा, अगर बोलते 10-50 किलोमीटर तो वहाँ तक जा सकती थी। ये कितना गुस्सा है लोगों के अंदर में, ये सरकार को देखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। तो आज शाम में आपने देखा ही होगा कि कितने लोग इसमें शामिल हुए, पीसफुल ढंग से शामिल हुए, बिना कोई घटना किए हुए शामिल हुए, और इस तरह से इन सीरीज लगातार विभिन्न शहरों में विभिन्न गाँवों में ये इस तरह का आंदोलन चालू रहेगा तब तक जब तक ये बिल विड्रॉ नहीं होगा। दूसरी बात कि अभी हमारे दोस्तों ने ये भी कहा है कि जब तक ये बिल विड्रॉ नहीं होता, रिपील नहीं होता है, तब तक तो जनता मानने वाली नहीं है। और जनता के लिए एक खास संदेश है, अगर कोई कागज़ मांगने आता है तो बिल्कुल रिफ्यूज़ करें, नहीं दें। आपके लिए एक सूचना ये भी है कि पूर्णिया में 16 को तो है ही, 18 को फारविसगंज में भी मैसिव प्रोटेस्ट होने वाला है, और मांगे तो बस एक है, जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि इसको विड्रॉ करो, सरकार इसको रिपील करे, और जो संविधान पर एक आघात किया गया है उस खतरे को, मैंने उस आघात को विड्रॉ करके दुनिया के सामने हिंदुस्तान की जाने वाली इज्जत को बरकरार रखें। लोगों में जन आक्रोश है, जैसा कि आपने रैली में देखा होगा, लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, मायूसी है, लोग डर, लोग को लग रहा है कि ये सरकार जो बिल लाई है वो इनके खिलाफ है, इनको बाहर करने के लिए ही ये बिल लाया गया, ऐसा लोगों को लग रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि लोगों में कितना गुस्सा है, जन आक्रोश है, यही
जो अररिया के सब लोग हैं ये रोड पे आज निकल करके आए, मशाल जुलूस निकाले। इनका कहना है कि सरकार ये जो बिल लाई है ये हमारे खिलाफ है, सरकार इस बिल को वापस ले। ये बिल किसी भी तरह से सही नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। ये हमारे संविधान में जो कि जो मूल ढांचा है, जो हमारे संविधान कहता है धर्मनिरपेक्षता, ये उसको तोड़ता है। ये धर्म के आधार पे जो बिल लाया गया है ये गलत है। यहाँ के लोगों ने यही मैसेज देने का काम किया है कि ये बिल को सरकार हम लोग के दर्द को समझे, सरकार हम लोगों को भी इस देश का नागरिक माने, हम लोग इस देश के नागरिक हैं, सरकार इस बिल को वापस ले। क्या इस बिल के लिए आप लोग कोई बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं क्या? पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे देश के हर कोने में आंदोलन चल रहा है। लोगों में गुस्सा है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, सब लोग इस सड़क पे आ रहे हैं। आज भी देखे होंगे बहुत सारे लोग हिंदू थे, मुस्लिम नहीं थे, वो मांग कर रहे हैं कैब वापस हो। देश के हर जगह, देश में हर जगह आंदोलन चल रहा है, सब लोगों का मांग है कि ये वापस होना चाहिए। तो सरकार को, क्योंकि जनता सरकार को चुन के भेजती है, तो सरकार का काम है कि जनता क्या चाहती है उसके हित को देखते हुए सरकार फैसला ले। इसलिए आज और ये पूरे देश में जो चल रहा है, सरकार इस पर गौर करे, ACAB बिल पे फिर से गौर करे। मेरा निवेदन है सरकार से कि वो गौर करे और इस बिल को वापस ले। आप अपना नाम बताएंगे? जाहिद अनवर। आपने देखा आज हजारों लोग अररिया के सड़कों पे उतरे हैं और हमारी मांग है कि CAB जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है अब एक्ट हो गया है, उसको रिपील किया जाए। और इसके आगे जो सरकार बोल रही है कि NRC करेंगे पूरे देश में, NRC की प्रक्रिया को रोका जाए और NRC कहीं भी नहीं हो, ये हमारी मांग है। माता सीधे बहुत सिंपल मांग है, सीधे कॉन्स्टिट्यूशन पे चलने की मांग कर रहे हैं हम लोग। और CAB जो कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल अमेंडमेंट बिल लाया है मोदी की सरकार ने, उसी के ख़िलाफ़ हम लोगों का प्रदर्शन था, उसको रोल बैक करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल हम लोग सोच रहे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस किया जाए अगर इस तरह का बिल लागू करने की कोशिश करती है सरकार, तो हम लोग किसी भी तरह के कागजात को जमा करने से इनकार कर देंगे। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन, जिससे हम तैयार कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की टाइल्स। आप अपनी फैक्ट्री, घर, आंगन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। हमारा पता है मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स, रामपुर मोदन कट्टी अररिया 0 माइल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर NH 57 से पूरब।